की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सोनिया गांधी संसदीय दल की नेता होंगी। खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा और अभी जानकारी सामने आ रही है कि सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और बाद में सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना। आज CWC की बैठक हुई, उस बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुने जाने पर मुहर लगी। उसके बाद आपसे थोड़ी देर पहले संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई और उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा। सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई, हामी भरी, जिसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तरफ से सोनिया गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव पर अपनी हामी भरी, जिसके बाद सोनिया गांधी अब संसदीय दल की नेता चुनी गई। इससे पहले आज दोपहर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष के नाम पर चुना गया, उनके नाम पर मुहर लगी, उस प्रस्ताव पर मुहर लगी। और अब जबकि संसदीय दल की बैठक हुई है तो इस बैठक में संसदीय दल का नेता चुना गया है सोनिया गांधी को। हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या जानकारी आपके पास? 5:30 बजे शुरू हुई थी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। इसमें ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ है जिसमें कांग्रेस की संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को चुना गया है। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने ये प्रस्ताव रखा था जिसे बाकायदा ध्वनि मत से पारित किया गया। सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस बैठक में भी तमाम सांसदों ने राहुल गांधी से अपील की थी कि वो लोकसभा में नेता का पद स्वीकार करें, लेकिन राहुल गांधी ने अभी इसको लेकर कुछ भी बोलने से मना किया। उन्होंने कहा कि वो चिंतन मनन करेंगे और पार्टी के अन्य नेता इस पर कोई बड़ा फैसला लेंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी सिर्फ ये है कि सोनिया गांधी का संसदीय दल के नेता के तौर पर नियुक्ति हो गई है। और सर ये लोग भी तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।